नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अडोब फोटोशॉप 7.0 में फ़ोटो की एडिटिंग इफ़ेक्ट डालना सिखाऊंगा। अब हमारे पास ये फ़ोटो है, तो इस फ़ोटो के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ग्रीन से कोई और कलर का हो जाए और हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, जो बच्चे का फ़ोटो है, वो ऐसा का ऐसा ही रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमें इसकी एक और लेयर बनानी होगी। लेयर बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे कर लिया है हमने, तो कंट्रोल जे करने के बाद आप इधर लेयर में देख सकते हो, ये दो लेयर क्रिएट हो गई है हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये दो लेयर क्रिएट हो गई हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस लेयर को हम अगर यहाँ से इधर से करना चाहते हैं तो इधर से भी कर सकते हैं। ये अभी हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। तो पहले हम इसको करेंगे कंट्रोल यू। कंट्रोल यू में जाएंगे तो इधर से हम इसको इधर घुमाएंगे, तो ये देखिए आपको जो भी कलर चाहिए बैकग्राउंड में, जैसे हमने मान लिया हमें ये ब्लू कलर चाहिए बैकग्राउंड में, ये पर्पल कलर हो गया, पर्पल कलर चाहिएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे ओके कर देंगे। और जो मेन सब्जेक्ट है वो है ये बैकग्राउंड हमारी, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा पास लाएंगे, सिंपली हम इसको इरेज करना स्टार्ट कर देंगे। ई दबाएंगे इरेज से, इरेज से आ जाएगी इरी। इसको हम ऐसे इरेज करेंगे तो हमारा ये पीछे वाला फोटो जो है वो ऊपर आ जाएगा और पहले वाला फोटो डिलीट हो जाएगा। मैं ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं हमारा मेन सब्जेक्ट तो इस कलर का हो गया और बैकग्राउंड पर्पल कलर की। इसको हम कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे और फोटो को कहीं पे भी आपका, जैसे डेस्कटॉप पे मैंने सेव करना है तो डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।